नमस्कार, मैं निलोत्पल मृणाल, डिसेबल चैंपियन। आपको तो मालूम होगा कि सुशांत भाई एज ए एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुए थे, बट जब नागालैंड के बाढ़ पीड़ितों से लेके आसाम के बाढ़ पीड़ितों से लेके बच्चे को नासा भेजने से लेके नीति आयोग में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने से लेके या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश को कुछ न कुछ नया देने के लिए जब उन्होंने प्रयास किया तो वो एक्टर से वो फिर हीरो बन गए थे। अब हमें डिसाइड करना है कि हम अपने लाइफ में हीरो को चाहते हैं या किसी फेक एक्टर को चाहते हैं जो ड्रग्स जैसे चीजों में, जहां पे सारा बॉलीवुड सम्मिलित है, रूम के अंदर क्या होता है सब जानता है। तो आप अब हमें देखना है कि हमें रियल हीरो चाहिए, हमारे रोल मॉडल रियल हीरो है या ये फेक एक्टर्स है। तो हम चाहते हैं, और 14 जून के बाद SSR जाने के बाद, इट्स अ नो टू बॉलीवुड फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, जितने लोग ब्रांड, जितनी कंपनियां ब्रांड इंडोर्स करती हैं, वो हीरो को इंडोर्स करें, ना कि फेक एक्टर्स को। सो हम सबको रिक्वेस्ट है, जितने लोग SSR को चाहते हैं या फिर जो रियल हीरो को चाहते हैं, वो रियल हीरो को फॉलो करें, रियल हीरो के लिए खड़े रहें, ना कि फेक एक्टर्स के लिए। सो आइए एक नया समाज बनाए, नया भारत बनाए और नए हीरो को ढूंढे जो कहीं ना कहीं आपके और हमारे बीच में है। हमारे नजर में हीरो कौन होता है? वो एक्टर जो फिल्म में काम करते हैं? नहीं, हमारे नजर में और हमारे लिए हीरो वो होना चाहिए जिन्होंने देश के लिए ऐसा काम किया है जो हमारे रोल मॉडल बन गए, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो जिन्होंने पूरा मिसाइल सिस्टम देश के लिए डिजाइन किया हो, पोखरण जैसे चीज में देश को प्रतिनिधित्व करके देश को परमाणु शक्ति दी। हमारे लिए जो रियल हीरो है वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो कहीं ना कहीं देश के, अब भारत रत्न उनको मिला और देखिए वो सबके रोल मॉडल बने। हमारे लिए जो रियल हीरो वो हीमा दास है, जो गरीबी फैमिली से निकल के देश में, देश का नाम रोशन विदेशों में किया। हमारे लिए रोल मॉडल दशरथ मांझी जैसे लोग, और हमारे लिए देश रियल हीरो जो है वो मिल्खा सिंह जैसे लोग हैं जो इतने कम एज में बिना किसी फैसिलिटी के देश को प्रतिनिधित्व किए, ना कि वो लोग जो रूम के अंदर संलिप्त होकर इस देश को बदनाम करते हैं। हम उनको एक्टर तो हो सकते हैं बट वो हीरो नहीं हो सकते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें एक्टर्स चाहिए या हीरो चाहिए। वो हीरो हमारे आपके सबके बीच में है। आइए हम अपने हीरो को ढूंढे और नो टू बॉलीवुड करें, नो टू ड्रग्स करें। आइए इस मुहिम में शामिल होइए। जय हिंद।